बेस्ट टैप करने के बाद से यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। बस यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा फोन जो ऑटोमेटिक यहाँ जो ओपन हो चुका है। और ये जो भाई तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको जो है MIUI 14 का जो है FRP बाईपास करने वाला हूँ। उसका जो FRP अगर हटवाने हम लोग दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों कम से कम 300-400 रुपया तो देना ही पड़ जाएगा। उसके पास टाइम हमारा जाएगा तो वो तो अलग की बात है। और मात्र दोस्तों 2-3 मिनट के अंदर आप जो सीख सकते हैं कि इसका भी FRP बाईपास हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइज, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ। चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से MIUI 14 का जो है FRP को बाईपास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर इस एरो पे क्लिक कर देना है। और वैसे इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है अपने लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में जो है अपने फ़ोन को यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को अपना यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर सकते हैं, मराठी, गुजराती, बहुत सारे इंटरनेशनल, बहुत ही जितना भी दुनिया में लैंग्वेज है सारा लैंग्वेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चाइनीज मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएगा। तो मैं जो इंडियन हूँ तो मैं जो यहाँ पर जो है इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करता हूँ। इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको जो एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और गाइस इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से हम लोग जो है अपने कंट्री को जो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो किस कंट्री में रहते हैं, किस कंट्री में जो अपने फ़ोन को यूज करना चाहते हैं वो जो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो इंडिया से रहता हूँ तो मैं जो इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। आप दूसरे कंट्री में रहते हैं तो आप दूसरे कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं जो अपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर जो नीचे एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, एरो पर क्लिक कर देना है। उनका जो एरो पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको जो कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है तो उसको जो आपको सिंपली यहाँ से पढ़ना है पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है इस पे जो चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद से यहाँ से जो एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपका जो ये वाला स्टेप जो कम्प्लीट हो चुका है। और उसके बाद से यहाँ पर जो है दोबारा से ये वाला ऑप्शन मिलेगा सिम, यहाँ पर इंसर्ट सिम कार्ड। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है और यहाँ पर एरो पे क्लिक कर देना है। और गाइस एरो पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमारे सामने जो है कनेक्ट टू नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने जो है किसी दूसरे जो है वाईफाई से जो अपने फ़ोन को जो कनेक्ट कर सकते हैं, या जो अपना सिम भी लगा सकते हैं, या जो है वाईफाई को भी यहाँ पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ, मैं अपने दूसरे फ़ोन से यहाँ पर जो कनेक्ट कर लिया हूँ। तो कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है कनेक्ट करने के बाद से एड नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको एड नेटवर्क पे क्लिक कर देना है और उसके बाद से ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर देखिए न्यू नेटवर्क नेम लिख कर आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद से आपको कुछ टैप नहीं करना है। क्यों टैप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ जो www.youtube.com टैप नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो एक जो दिखेगा यहाँ पर एक जो ऑप्शन मिलेगा जो कि राउंड राउंड यहाँ पर आपको दिख सकता है, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा दूर लेकर जाता हूँ। और गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे आने के बाद से एक जो मोर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, सिंपली आपको क्या करना है मोर पे क्लिक कर देना है। और गाइस मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने 5-6 ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इनपुट का, इमोजी, स्टाइल और भी बहुत कुछ दिख रहा है। तो हमको क्या करना है कि अबाउट पे क्लिक कर देना है। और गाइस अबाउट पे क्लिक करें बस यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर शो करेंगे। एक जो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो दूसरे वाले पर क्लिक करना है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी पर, इस पर क्लिक कर देना है। उस पर दोस्तों प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, तो दोस्तों हमको क्या करना है कि यहाँ पर साइड में आपको जो जितने भी पैराग्राफ दिख रहे होंगे यहाँ पर जो है सबका जो यहाँ पर पैराग्राफ नाम से है, 1.32 है, ऐसे करके बहुत सारे पैराग्राफ आपको दिखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पर साइड में देखिए 3.4 दिख रहा है। तो ऐसे करके सबसे नीचे की तरफ आना है। नीचे आने के बाद से एक जो 13 नंबर आपको जो पैराग्राफ मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो एक जो 13 नंबर पैराग्राफ दिखेगा, नंबर आपको जो एक पैराग्राफ दिखेगा जिसका नाम है जर्वेंसी रेड रिसर्वर। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है 13 नंबर पैराग्राफ पे आना है। और यहाँ पर आपको जो एक जो ईमेल एड्रेस दिखेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस ईमेल एड्रेस पर आपको सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
और गाइस उस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको जो है एक जो मैसेज का यहाँ पर जो है एप्लीकेशन दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक जो मैसेज का एप्लीकेशन दिखता है जो कि हर किसी के मोबाइल फ़ोन में रहता है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो न्यू मैसेज पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो एक जो मैसेज टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है कोई सा भी यहाँ पर एक जो नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर डाल देना है और यहाँ पर सेंड कर देना है। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है असली में। और यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको टाइप करना है www.youtube.com, यहाँ पर टाइप करना है, वो भी छोटा लेटर में दोस्तों टाइप करना है www. ये जो बड़ा हो गया तो आपको जो है यहाँ से छोटा कर लेना है, उसके बाद www.youtube.com टाइप करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है www.youtube.com, वो भी छोटा लेटर में, उसके बाद से सिंपली आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और गाइस उसी लिंक पे क्लिक करेंगे बस यहाँ से जो आपका जो यूट्यूब एप्लीकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चलिए इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर एक देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये ऊपर आपको जो अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर आपको जो एक जो अकाउंट का ऑप्शन दिखता है तो सिंपली आपको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और गाइस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको जो एक जो नीचे अबाउट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको अबाउट पे क्लिक कर देना है। और गाइस अबाउट पे क्लिक करने तो देख सकते हैं सेटिंग को ओपन करने के बाद से 4 5 6 ऑप्शन यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है, गूगल प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो आपका जो गूगल क्रोम को ओपन कर देगा, आपके मोबाइल फ़ोन के जो गूगल क्रोम को ओपन कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इसको जो विदाउट इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको परमिशन दे देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो गूगल क्रोम जो सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। और अब हमको क्या करना है कि इसका सर्च बार में टाइप करना है vnrom.com vnrom.net.bypass, ये आपको टाइप करना है vnrom.net.bypass। यहाँ पर आपको जो टैप करना है, टैप करने के बाद सिंपली आपको सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। और गाइस सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो है हमारे सामने एक जो है यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगा vnrom.com। तो सिंपली आपको जो इसी वेबसाइट को ओपन करना है, आपको दूसरे वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर जो क्लिक मैं कर देता हूँ। और गाइस उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से जो इस वेबसाइट को सिंपली हमको ओपन कर लेना है। और गाइस ओपन करने के बाद से यहाँ पर देखिए थर्ड में हमको जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करके सेटिंग को अपने ओपन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर देखिए अब मैं अपने मोबाइल के सेटिंग को भी ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल का सेटिंग ओपन हो चुका है। और अब हमको क्या करना है कि स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे आने के बाद से यहाँ पर एक जो एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, एप्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली एप्स पे क्लिक कर देना है। और एप्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमारे सामने मैनेज एप्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उनका जो उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अपडेट का, इंस्टॉल का, अनइंस्टॉल का, फाइंड ऐप का, परमिशन का। तो हमको क्या करना है कि फाइंड ऐप पर क्लिक कर देना है। और गाइस फाइंड ऐप पे क्लिक करने के बाद से ये रेडमी के ऐप स्टोर को ओपन कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जो स्किप कर देना है। और गाइस स्किप करने के बाद से यहाँ पर जो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको हटा देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमको जो सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। और सर्च के बटन पर हमको क्या टाइप करना है मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों इसमें इसके सर्च बार में हमको टाइप करना है एक्टिविटी लॉन्चर। तो चलिए टाइप करता हूँ ACTIV एक्टिविटी लॉन्चर। यहाँ पर आपको टैप करना है एक्टिविटी लॉन्चर। तो आपको जो टैप करना है एक्टिविटी लॉन्चर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो कि मात्र 1 MB का एप्लीकेशन है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए फटाफट से मैं जो इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद से इसमें जो मात्र इसको इंस्टॉल करने के बाद से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट का टाइम में, उसके बाद से आपका जो है फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप जो आपका फ़ोन जो अनलॉक होने वाला है।
तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है ओपन सक्सेसफुली यहाँ पर जो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद से यहाँ से जो परमिशन मांग रहे हैं इसको जो सिंपली यहाँ से जो ओके कर देना है और उसके बाद से इसको जो फटाफट से हो जाने देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। और यहाँ पर आपको जो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ ये जो सर्च का बटन दिखेगा यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सर्च का बटन दिख रहा है सिंपली आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। और इसमें क्या सर्च करना है मैं आपसे बताता हूँ। इसमें आपको टैप करना है स्पेस, आपको टैप करना है स्पेस। तो चलिए मैं यहाँ पर टैप करता हूँ SPACE। यहाँ पर आपको स्पेस टैप करना है। टैप करने के बाद से यहाँ पर जो स्पेस वाला बटन दिख रहा है ना नीचे की तरफ तो सिंपली यहाँ पर स्पेस पे क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है। तो स्पेस पे क्लिक करने के बाद से स्पेस टैप करके यहाँ पर जो स्पेस टैप करने के बाद से यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है यहाँ पर जो फिंगर ये जो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेट करना है तो यहाँ से हम जो सेट भी कर सकते हैं, यहाँ जो नहीं करना है तो स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद से यहाँ पर जो है स्किप करने के बाद से यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो ऑटोमेटिक यहाँ जो ओपन हो चुका है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो ओपन हो चुका है और मैं अपने फ़ोन को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है सक्सेसफुल यहाँ पर जो ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ से जो इस मेथड के द्वारा आप जो अपने फ़ोन को जो इजीली और आसानी तरीके से अपने घर बैठे जो इसको जो ओपन कर सकते हैं। और ये फ़ोन देख सकते हैं रेडमी का नोट 11 यहाँ पर फ़ोन है। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर मैं जो इसको अनलॉक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप जो वीडियो को देख रहे थे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरीके का कॉन्टेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।